कुंती, जिसको राजा पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कहा जाता है। कुंती एक अद्भुत महिला थी जिसने पति की मृत्यु के बाद अपने पांचों पुत्रों को अच्छी तरह से पालन पोषण किया और उनको राज दिलवाने के लिए प्रेरित किया। इन सब के बावजूद कुंती को कुछ लोग भला बुरा कहते हैं क्योंकि उसने कर्ण का परित्याग कर दिया था। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कुंती को सूर्यदेव से प्यार हुआ और कुंती कैसे सूर्यदेव की एक गलती से कर्ण को पूरी जिंदगी अपमान झेलना पड़ा। तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कुंती राजा सूरसेन की पुत्री थी जिसको नागवंशी राजा कुंती भोज ने गोद ले लिया था। कुंती का नाम पहले प्रथा था जिसको कुंती भोज ने अपने नाम के साथ जोड़कर कुंती रख दिया था। एक बार राजा के महल में दुर्वासा ऋषि पधारे। पिता की आज्ञा से कुंती ने दुर्वासा ऋषि की खूब मन लगाकर सेवा किया। जब दुर्वासा ऋषि जाने लगे तब उन्होंने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कुंती को वरदान मांगने को कहा। कुंती को कुछ समझ नहीं आया तब दुर्वासा ने कुंती को इच्छा पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया जिससे कुंती किसी भी देवता का आवाहन करके उन्हें बुलाकर उनसे एक पुत्र प्राप्त कर सकती थी। लड़कपन में कुंती ने ऋषि का वरदान ग्रहण कर लिया लेकिन उसे क्या पता था कि वरदान आगे चलकर उसके लिए उसके पुत्र के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। कुछ समय बीतने पर एक दिन कुंती अपने कक्ष में बैठी थी तब उसने सोचा कि क्यों ना ऋषि दुर्वासा के वरदान का परीक्षण किया जाए, क्या सच में कोई देवता आएंगे या नहीं। ऐसा सोचकर कुंती अपने कमरे की खिड़की की ओर देखती है और सूर्यदेव को निहारने लगती है। वो सूर्यदेव को देखते हुए सूर्यदेव का वही मंत्र बोली जो दुर्वासा ऋषि ने उसे बताया था और थोड़ी ही देर में कुंती के द्वार पर सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्यदेव ने कुंती को बुलाने का कारण पूछा तब कुंती ने कहा, हे सूर्यदेव, दुर्वासा ऋषि के वरदान का परीक्षण करने के लिए मैंने आपको बुलाया था, अब आप जा सकते हैं। इस पर सूर्यदेव ने कहा, हे कुंती, तुमने जिस मंत्र से हमारा आवाहन किया था वह मंत्र पुत्र प्राप्ति करने के लिए था, अब मैं उस मंत्र के दायरे में बंधा हूँ, इसलिए मैं बिना कोई वरदान दिए सूर्य लोक को नहीं जा पाऊंगा, मैं विवश हूँ। अब हमें तो तुम्हें वह वरदान देना ही होगा जिसकी मनसा से तुमने मुझे बुलाया है, अब हमें अपना अंश समय देकर ही यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसा सुनकर कुंती चिंतित हो गई और उसने अपना दरवाजा बंद करना चाहा। तब कुंती ने सूर्यदेव से आग्रह किया कि वो वापस चले जाएं। मैंने भूल से आपका स्मरण किया था, कृपया मुझे क्षमा करें और अपने लोक वापस चले जाएं। इस पर सूर्यदेव ने कहा, कुंती तुम डरो मत, मैं तुम्हारे गर्भ में अपना अंश स्थापित करूंगा और इस कार्य में तुम्हारी सहमति भी होनी जरूरी है। कुंती बाहर से तो मना कर रही थी लेकिन अंदर ही अंदर वह सूर्यदेव के तेज से प्रभावित हो रही थी। सूर्यदेव ने कुंती को समझाया कि यदि हम बिना तुम्हें अपना पुत्र दिए चले जाएंगे तो इससे हमारा तेज कम हो जाएगा और हमारा आयुष व्यर्थ चला जाएगा। सूर्यदेव अपनी जिद पर अड़ गए क्योंकि बिना पुत्र दिए जाने पर उनका तेज कमजोर साबित हो जाता। तब कुंती ने कहा, अभी तो मैं बच्ची हूँ, इस सूरत में यह कैसे संभव है। तब सूर्यदेव ने कहा, हे कुंती, तुम गर्भवती होने के बाद भी पहले जैसी कुंवारी रहोगी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें लोग पंच कन्याओं के रूप में जानेंगे। ऐसा कहने पर कुंती ने ना चाहते हुए भी सूर्यदेव के अंश को अपने गर्भ में स्थापित करने के लिए हाँ कर दिया। तब सूर्यदेव ने कुंती की नाभि को छू लिया जिससे वह तुरंत ही रजस्वला हो गई। उसके बाद सूर्यदेव ने नाभि से कुंती के गर्भ में प्रवेश किया, वहाँ मंत्र द्वारा अपने पुत्र कर्ण को स्थापित किया और तुरंत बाहर निकल आए। जाते समय सूर्यदेव ने कुंती से कहा कि कर्ण के जन्म से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा और तुम पवित्र ही रहोगी। सूर्यदेव ने बताया कि यह बालक धरती पर कवच व कुंडल के साथ जन्म लेगा और सारी सृष्टि इसको महारथी दानवीर कर्ण के नाम से जानेगी। तब कुंती ने जाते हुए सूर्यदेव से क्षमा मांगी। इस पर सूर्यदेव ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कुंती, हम देवताओं में होड़ मची है कि धरती में क्षत्रियों को स्वर्ग में कैसे लाया जाए,
इसलिए मैंने पहल करते हुए कर्ण को पैदा किया। आगे और भी देवता अपना काम करेंगे। कुंती के मन में सूर्य को देखकर मंत्र बोलने का विचार भी देवताओं ने ही उपजाया था। सूर्यदेव के जाने के बाद कुंती एक तरफ खुश भी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे चिंता घेर रही थी कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, कि एक बिन ब्याही कन्या गर्भवती कैसे हो गई। ऐसे ही बातों में समय बीतता चला गया और वह दिन आ गया जिसका कुंती को इंतजार था। दुनिया से अपने गर्भवती होने का राज छुपाते हुए कुंती ऋषि दुर्वासा के आश्रम में पहुंच गई और कर्ण का जन्म ऋषि के आश्रम में ही हुआ। कर्ण अपने मुख पर सूर्य का तेज और कानों में कुंडल और कवच के साथ पैदा हुआ। उस प्यारे बालक को देखकर हर कोई मोहित हो गया, लेकिन कुंती के मन में एक अजीब सी हलचल थी जिसका समाधान उसे मिल ही नहीं रहा था। तब कुंती ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात शिशु को एक पालने में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। सूर्य के आशीर्वाद से कर्ण को कुछ नहीं हुआ और कर्ण एक निसंतान दंपति अधीरथ और राधा को मिल गया। अधीरथ एक सूत जाति का व्यक्ति था, इसलिए कर्ण को लोग सूत पुत्र कहने लगे और जीवन भर कर्ण एक राजकुमार होकर भी एक सूत पुत्र कहलाया। तो दोस्तों, यही थी कुंती और सूर्यदेव की प्रेम कहानी, जिनकी एक गलती की वजह से कर्ण को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। जय श्री कृष्ण।